यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए आगे बढ़ेंगे, खबरों का रुख करेंगे। हरियाणा में एसवाईएल के पानी को लेकर एक बार फिर से राजनीति गरमा गई है। आज नारनौद में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एसवाईएल को लेकर पीएम मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री से सवाल किया। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सेना लगाकर क्यों नहीं एसवाईएल का निर्माण करवाती, जब सीएम ने साफ किया कि एसवाईएल का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो एसवाईएल को लेकर सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि सरकार फौज बुलाकर एसवाईएल का निर्माण क्यों नहीं करवाती। हालांकि सीएम ने कहा कि जल संकट से जल्दी लोगों को मुक्ति मिलेगी। पानी की एक समस्या हमारे रेवाड़ा प्रदेश की लगातार बनी हुई है, क्योंकि हमारा अपना सोर्स तो कोई है नहीं, या तो हमको भाखड़ा से लेना होता है या हमको जमुना से लेना होता है। जमुना का पानी दिन प्रतिदिन घटता चला जा रहा है, पीछे से पानी की सप्लाई बहुत कम हो गई है। उसके अंदर दो डैम नए अब केंद्र सरकार की योजना से वो बनाए जा रहे हैं, लखवार और किसाऊ। तो ऐसे दो डैम बनने में कुछ समय लगेगा। ऐसे डैम बनने के बाद यमुना का पानी उसका फ्लो और उसका समय ज़्यादा बढ़ेगा। जहाँ तक भाखड़ा में और हमको पानी की आवश्यकता है प्राप्त करने की, हमारा हिस्सा भी हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि एसवाईएल नहर वो सुप्रीम कोर्ट में उसका निर्णय हो चुका है। बहुत जल्दी उस निर्णय को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर ये सुप्रीम कोर्ट ने करना है। जितना जल्दी हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है, ये किसी और के हाथ में। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है, बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री एसवाईएल की नहर का निर्माण करवाएं। सवाल ये है कि मोदी जी चुप्पी क्यों साधे हैं, क्यों हमारी नहर का निर्माण फौज को बुलाकर नहीं करवा रहे। एसवाईएल के निर्माण में सबसे ज्यादा रोड़े ओम प्रकाश चौटाला जी ने और उनकी पार्टी ने अटकाए, आज वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।